हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त तो होंगे हमेशा की तरह मेरी तरह। तो बच्चों, आज के सेशन में आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। कुछ लोगों का मैंने कमेंट्स देखा और उसमें लिखा होगा मैडम इसके आगे का लेक्चर को बताइए। तो बिल्कुल आपके आपको ही मद्देनजर रखते हुए और आपको ही ध्यान में रखते ही हुए ही मैं इतना मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बेटा, आज के लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे, चूंकि हमारा चौथा जो यूनिट जो चल रहा है, हमारा फटाफट का सेशन जो चल रहा है उस पर आज हम बात करेंगे। उसका आज जो है दो अंक के प्रश्न के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई मेरे साथ आप लोग भी तैयार हो जाए, ज्यादा लेक्चर मारूंगी तो आप लोग ही सोचोगे मैडम पेपर आ गया बस लेक्चर ही मार रहे हो, है ना। तो भाई मेरे क्या है, मैं भी पहले ऐसा ही करती थी इसलिए मुझे पता है वो चीजें। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, सीधे अपने टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं। क्या है भाई, यूनिट फोर दो अंक वाले प्रश्न। यूनिट फोर कौन सा है, दोनों को याद रखना है। यूनिट फोर में दो आपके होते हैं, जो है आपके चैप्टर का नाम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम और उसके प्रयोग के बारे में, ठीक है। इसमें पूरा प्रयोग देखेंगे, इसमें पूरे टेक्निक के बारे में समझने वाले हैं। ये भी देखो, चार अंक का जो प्रश्न ज्यादातर उठाता है, इससे ज्यादा उठाया है। तो चार अंक के प्रश्नों के ऊपर जो भी बात होगी वो मैं आपको बताऊंगी, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, उस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। घबराइए नहीं, मैं हूं यहां पर, तो आप भी मेरे साथ इस पर बने रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है। लिखा हुआ है प्लाज्मिड किसे कहते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी प्लाज्मिड के बारे में कुछ डिस्कस हुआ था, क्या बिल्कुल हुआ था, है ना। ऐसा मत बोलना कि नहीं हुआ था, हुआ था, ठीक। तो प्लाज्मिड किसे कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि प्लाज्मिड जो होता है, जितने भी जीवाणु कोशिका होते, मतलब सीधे सीधे बात करूं तो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ये क्या है, एक्चुअल में डीएनए ही है, ठीक है। प्लाज्मिड होता है क्या चीज है, ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो हमने पढ़ा था याद करो, जब भी हम बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल में क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ऐसे ही देख लो, पहले सुन लो, जब भी हम जीवाणु की बात करें तो ये अगर हमारा जीवाणु का स्ट्रक्चर है, तो जीवाणु के स्ट्रक्चर में यानी कि बैक्टीरिया सेल का अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया सेल पर एक तो होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, हम इसको लिख देते हैं, चलो क्रोमोसोमल डीएनए, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि गुणसूत्री डीएनए, ठीक है। और एक जो होता है डीएनए जिसको हम कहते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, प्लाज्मिड डीएनए। कौन सा डीएनए भाई साहब, प्लाज्मिड डीएनए इसी को कहा जाता है। क्या है ये, प्लाज्मिड डीएनए इसी को कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एक जीवाणु कोशिका है यानी कि बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल पर एक टाइप का तो डीएनए आपने सुना ही होगा, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और दूसरे टाइप का डीएनए जो होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये भी ध्यान रखेंगे, हर जीवाणु में नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान रखना, हर बैक्टीरिया सेल में नहीं पाया जाता है आपका प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। बहुत सारे में होता है और बहुत सारे में नहीं भी होता, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। सब में मत जोड़ देना, पता चला सब में होता है, सब में होता है, सबको बता रहे हो, नहीं होता, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये क्या है आपका प्लाज्मिड। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या चीज है, एक तो आप देख रहे हो कि ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो क्रोमोसोमल डीएनए है किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कोई सर्कुलर दिख रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही गुच्छे के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, समूह के रूप में, ठीक है। इसी को हम बोल दिए क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये आपका देखो प्लाज्मिड डीएनए कैसे दिख रहा है, एकदम वलयित यानी कि सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, द्वि सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, देखिए द्विगुणित है ना, द्विगुणित रूप से दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए ये कैसा है, ये जो प्लाज्मिड होता है सर्कुलर होता है, हमेशा याद रखेंगे जो बैक्टीरिया में उपस्थित प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है, वलयित होता है यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर देखिए ना, गोल स्ट्रक्चर सर्कुलेट फॉर्म में, तो ये है आपका प्लाज्मिड। अब याद रखेंगे ये प्लाज्मिड डीएनए के कहां यूज होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले इसको समझो। देखो प्लाज्मिड क्या है, बाह्य नाभिक की यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्वतः द्विगुणित होने वाले, भाई साहब इसके पास इतना अच्छा टेक्निक है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, खुद का ये कॉपी बना लेता है, इतना इसके में कैपेसिटी है, इसलिए लिखा है क्या, स्वतः या स्वतः द्विगुणित, ठीक है, स्वतः द्विगुणित यानी कि होता है सेल्फ रेप्लिकेट, फिर एक से दो बना देना, इसी को कहते हैं सहसंयोजी रूप से बंद होता है, देख रहे हो ये पूरा क्लोज है,
वलयकार यानी कि वलित फॉर्म यानी कि सर्कुलर फ्रेम में होता है। द्विसूत्री डीएनए अणु दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु है जो कि प्रायः सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अधिकांशतः देखना कि जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगी, हर में नहीं होता, यह भी ध्यान रखेंगे, पता चला सबको नहीं बोलना आपको, ठीक है। तो यह है क्या, एक प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर है, प्लाज्मिड संरचना है। जब भी आप रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर इस प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखेंगे, क्योंकि जब भी हम एक डीएनए से जब हमारे इच्छा अनुसार जो भी हम फॉरेन डीएनए लेते हैं वहां से जब हम जो हमको बनाना है, जिस प्रकार के डीएनए को उत्पन्न करना है, जिसकी कॉपी तैयार करना है, उसके लिए हमेशा हम प्लाज्मिड डीएनए का ही यहां पर कॉपी तैयार करते हैं, प्लाज्मिड डीएनए ही लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। इसी के साथ हम इच्छित डीएनए के साथ जोड़ देंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, वो पूरा प्रोसेस है बताते जाऊंगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, देन उसकी कॉपी तैयार होगी, उसकी क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते रहेगा, तो फिलहाल अभी हम प्लाज्मिड पर फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये डायग्राम तो देख लो भाई, आप ही लोग के लिए तो रखी हूं। ये है एक बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोमल डीएनए, और ये क्या आपका प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी बैक्टीरिया में डीएनए जो है अरेंज होता है, प्लाज्मिड डीएनए। सेकेंड क्वेश्चन आया है डीएनए लाइगेस के बारे में, तो डीएनए लाइगेस क्या है भाई साहब, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो डीएनए लाइगेस एक एंजाइम्स होता है जिसकी सहायता से हम वांछित डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को आपस में जोड़ देते हैं। सपोज ऐसे, जैसे देखो कोई भी खंड है डीएनए का, कोई खंड है या टूट गया है, वहां पर भी आप जोड़ने का काम करते हो, तो ऐच्छिक डीएनए को भी आप जोड़ने का कार्य करते हैं। जस्ट एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट अगर डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा है आपने तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए चीजें, ठीक है। मान लो जाए हम एक बैक्टीरिया सेल लिए और इस बैक्टीरिया सेल का हमने प्लाज्मिड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट में हम एक बैक्टीरिया सेल के प्लाज्मिड डीएनए को लेते हैं, ठीक है, और एक हमने क्या लिया, एक हम फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए आपका कोई भी हो सकता है, फॉरेन डीएनए जो है वो कोई भी हो सकता है, मनुष्य का डीएनए, मुझे मान लो जाए मनुष्य का इंसुलिन बनाना है, वो वाले डीएनए को उठा करके काट के अलग कर दी मैं, ठीक है। मान लो जाए मनुष्य का ये है मनुष्य, मनुष्य का इंसुलिन बनाने वाला ये डीएनए, डीएनए है, ठीक है, सेल है, इंसुलिन बनाने वाले डीएनए का ही एक सेल है, या हम यू कह सकते हैं सेल है, उसमें जो डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये है क्या, इंसुलिन निर्मित डीएनए है, तो मनुष्य का इंसुलिन निर्मित डीएनए ले लिया, हमने एक बैक्टीरिया का डीएनए प्लाज्मिड डीएनए ले लिया, ये क्या है आपका बैक्टीरिया है ना, ये क्या है आपका बैक्टीरिया है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों के डीएनए को बाहर निकालेंगे, देन आप बैक्टीरिया के डीएनए को यानी कि प्लाज्मिड डीएनए को और मनुष्य के इंसुलिन बनाने वाले डीएनए को क्या करोगे, कट करोगे, क्या करोगे आप, कट कर दिए, एक हमने इसको कट कर दिया और इसका डीएनए कहाँ है भाई साहब, चेंज कर देती हूँ मैं कलर, नहीं तो आप बोलोगे कहाँ है, ठीक है। ये हमने इसको डीएनए को क्या कर दिया, कट कर दिया, दोनों के डीएनए को हमने क्या कर दिया भाई साहब, हमने यहाँ पर कट कर दिया है, ध्यान देंगे, प्लाज्मिड डीएनए को ले लिया और प्लाज्मिड डीएनए को अलग कर दिया, और यहां पर से हमने ध्यान दो, ये हमने रख दिया इसके डीएनए को, क्रोमोसोमल डीएनए को ले लिया और दोनों के डीएनए को हमने अलग कर दिया। एंड अलग करने के बाद जब हम इसको क्या करते हैं, हमने हमने पढ़ा था क्या, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ हम क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को कट करने का काम करते हैं, इसीलिए तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या बोलते थे, आणविक कैची कहते थे, कट करने का काम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का था, है ना। लेकिन जोड़ने का कार्य, दोनों को हम जब जोड़ना है तो जोड़ने के लिए भाई साहब यही जीन लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है, यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा ही आपस में ये दोनों यानी कि प्लाज्मिड डीएनए और आपके मनुष्य के इंसुलिन बनाने वाले डीएनए, या हम फॉरेन डीएनए की बात कर सकते हैं, इसको वेक्टर डीएनए बोलते हैं, इसको फॉरेन डीएनए कहते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से एक नया डीएनए तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। समझ आ रहा है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है, इस प्रकार से ध्यान देंगे, जिसमें दोनों प्रकार के डीएनए खंड दिख रहे कि नहीं,
इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब देख लो भाई साहब आपने क्या लिखा, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए के खंड यानी टूटे हुए खंडों को जोड़ने का काम। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि डीएनए का जहां पर भी, ये देख रहे हो यहां पर डीएनए का यहां पर क्या हो गया, खंड अगर टूट गया है तो इस डीएनए लाइगेज एंजाइम्स की सहायता से हम क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार डीएनए खंड को वहां पर क्या करेंगे, टूटे फूटे डीएनए खंड को वहां पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। इतना दिमाग में जा रहा है कि नहीं पहले मुझे ये बताएंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट किया करें, आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा हाँ बच्चे देख रहे हैं, मैं और मेहनत आप लोगों के लिए करते जाऊंगी। एग्जाम तक तो पूरा मैं करवा दूंगी, निश्चित है। आप बस मेरे साथ सपोर्ट करते रहो कि हाँ आप ये वाला टॉपिक बताओ, आप ये वाला भी बताओ, तो मैं जितने इंपॉर्टेंट है हालांकि वो तो मैं पूरा बता ही रही हूँ, ठीक है। इससे बाहर का तो कुछ नहीं आने वाला। चलो तो ये है भाई साहब आपका डीएनए खंड। चलो आगे आते हैं, आपके किस पर बात करेंगे, टी आई प्लाज्मिड अगर दिख रहा है तो चलो देखते हैं। ये है आपका टी आई प्लाज्मिड क्या है, प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये देखो ये है आपका टी आई प्लाज्मिड। टी आई प्लाज्मिड होता क्या चीज है, आपने एक शब्द सुना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, पढ़ा होगा तो सुना होगा, और नहीं पढ़े होगे तो जाओ फिर, है ना। पढ़ना लिखना तो है नहीं आप लोग को, पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत अच्छा चीज है आप लोगों के लिए, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो अभी, साल भर तो पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, अब पढ़ते हैं, है ना, वही हो रहा है आप लोग का। चलो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक एक बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया में ये टी आई जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मतलब समझ गए ना, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक वलित डीएनए, इसका नाम है प्लाज्मिड डीएनए, और इस प्लाज्मिड को हम कह दिए टी आई प्लाज्मिड। कौन सा बैक्टीरिया, ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, इसको जितना क्वेश्चन मैं अभी तक बता रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की जरूरत है, मैं सारा ऐसे तो बता ही देती हूं। मुझे लगता है कि हाँ जहां पर लग रहा है कि और देना चाहिए, कुछ और चीजें भी आ सकती है, तो मैं एक्स्ट्रा और करके दे दूंगी, ठीक है, आप चिंता ना करें, मेरे साथ बने रहो बस, ठीक है। चलो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया जब हम बात करते हैं जब भी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड है यानी कि वेक्टर डीएनए है, और उस वेक्टर डीएनए का नाम है टी आई प्लाज्मिड, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया, अभी जस्ट पढ़े प्लाज्मिड द्विसूत्री, ठीक है। तो चलो ये कहां पाया जाता है, इसको ध्यान देते हैं, ये द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण करते हैं। एक चीज को और ध्यान रखेंगे, जब ये बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि ये प्लाज्मिड जो होते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं प्लाज्मिड, तो जब ये द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं यानी कि डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री मतलब समझ गया ना, आसानी भाषा में समझ सकते हैं उसको, द्विबीजपत्री को जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है, जैसे मटर, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा ये पता है कि नहीं पता, ये भी ध्यान रख लो, होना चाहिए पता, ठीक है, जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। अब द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमण करेगा ये बैक्टीरिया, तो ट्यूमर निर्माण को प्रेरित करता है, यही टी आई प्लाज्मिड। अच्छा देखो ये है एक द्विबीजपत्री प्लांट है, ठीक है, और इस द्विबीजपत्री प्लांट में देखो इस तरीके से दिख रहा है, ये ट्यूमर है, ठीक है, गमला नहीं है, गमला मत बोल देना, ये ट्यूमर है, ठीक है। जैसे अपन के मस्सा होता है तो कैसे दिखाई देता है, जैसे पुराने दादा दादी लोग के मैं देख रहा हूं बड़ा बड़ा मस्सा दिखाई देता है, ये बड़ा है ना, दिखता है कि नहीं दिखता, तो अभी ये प्लांट में ट्यूमर के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये किसके कारण हुआ, ये टी आई प्लाज्मिड के कारण ही होता है, ठीक है। चलो ये क्या है, यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का कार्य करता है, ध्यान देंगे। जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं यानी कि दो डीएनए को आपस में जोड़ करके जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं, वहां पर इस टी आई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस बैक्टीरिया के नाम को आप याद रखोगे एग्रोबैक्टीरिया, आप पुराने क्वेश्चन को उठा के देखोगे तब भी आपको ये मिलेगा कि टी आई प्लाज्मिड कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो अब याद रखोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। चलो मेरे होनहार बच्चों आते हैं वापस। अच्छा ये उसका डायग्राम है, ये भी याद रखना, ये क्या है टी आई प्लाज्मिड का एक चित्र बना हुआ है। मान लो जाए पूछ दिया है, प्रश्न में ही आ गया कि टी आई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, दो नंबर या तीन नंबर में अगर आ ही गया कि टी आई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बना, तो आपके दिमाग में तो रहे कि मैडम रखी हुई थी एक डायग्राम, उसको चलो हम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे यहां पर,
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम। तो ये बताने की जरूरत है क्या, आपने पढ़ा होगा भाई, 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल में। आप लोगों को याद है वो दिन जब मैं बताई थी कि क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसा होता है भाई साहब, क्रोमोसोम्स इस तरीके से अरेंज होता है और इस पर ये डीएनए इस तरीके से कुंडलित लिपटे हुए होते हैं। आप लोग को बताई थी कि नहीं, बिल्कुल याद करो वो दिन जब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पता चला आप लोग बोलते हो मैडम नहीं बताई है, कोई भरोसा नहीं है ना। चलो आगे देखो, ये है आपका क्या है, डीएनए, ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए, और डीएनए पर इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, मैं बना देती हूँ बिल्कुल। ये हमने लिया, ये यहां पर इस तरीके से अरेंज होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, आठ प्रकार के, मतलब आठ प्रकार के नहीं बोलेंगे, एक्चुअली होता तो ये चार प्रकार का है, लेकिन ये डबल होता है, ऑक्टामर होता है, यानी कि अष्टक होता है। ये क्या बनाई हूं, ये बनाई हूं H2A, H2B, H3 और H4, H2A, H2B, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ध्यान देना बेटा, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, और ये है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि किस फॉर्म में है, ध्यान देना, अष्टक, अष्टक यानी कि ऑक्टामर, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, मतलब ये है कि जितने भी युग, अच्छा ये भी ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, दिमाग में एकदम बैठा लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनी कोर और उस पर इकाई मनकों की माला के रूप में दिखाई देती है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये है क्या, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल का अच्छा उदाहरण होता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 8, यही तो है अष्टक, है ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसका नाम है, आप लिख, प्रोटीन का नाम भी वहां पर मेंशन कर सकते हो, H2A, H2B, H3 और H4, जो कि डबल होता है, इसीलिए हम इसको ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है, यानी कि अष्टक, ठीक है। कोर ऊपर से उस पर क्या लिखा है, इकाई जो मनकों की माला के रूप में, देखो माला के रूप में ये क्या दिखते हैं, दिखाई देती है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये अच्छा ये डायग्राम है, देखो दिख रहा है कि नहीं, 8 हिस्टोन क्रोन, फर्स्ट H1 लिखा है, H2A, H2B, H3, H4 होता है, याद रखेंगे, याद रखो। नेक्स्ट क्या है भाई, पांचवा प्रश्न है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। सबसे पहले अनुवांशिक रूपांतरित फसल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो अनुवांशिक रूपांतरित फसल क्या होता है भाई साहब, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, देखो अनुवांशिक रूपांतरित फसल का मतलब यह होता है कि डीएनए का फेरबदल, हम सीधा सीधा ये अगर यू बात करें कि हम क्या करते हैं, ऐच्छिक डीएनए, किसी जीव के डीएनए को किसी प्लांट में हम डाल दिए, और डालने के बाद जैसे मान लो जाए एक ऐसा हम डीएनए लिए हैं किसी जीव का जिस पर विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो जाए किसी एनिमल में या किसी जीव में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और विटामिन ए जो होता है प्लांट, जैसे एक प्लांट की हम बात की थी, याद है वो आप लोग को, कि गोल्डन राइस की हमने बात की थी, तो गोल्डन राइस, राइस मतलब विटामिन ए की मात्रा उसमें हमको ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जीव के विटामिन ए वाले जीन्स को निकालकर हम कोई भी राइस या किसी भी प्लांट में जिसमें हमको चाहिए कि हाँ भाई हमको विटामिन ए इसमें चाहिए, तो हम इसमें ट्रांसफर कर दे, तो हम ये काम कर सकते हैं, इसी के लिए हम इसको कहते हैं अनुवांशिक रूपांतरित फसल, क्योंकि हमने क्या किया, एक जीव के जीन्स को जो हमको चाहिए जहां से जो चीज, उसको हम दूसरे जहां जिस फसल में हमको ट्रांसफर करना है उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे ना, पहले के देखते थे क्या आप लोग कि क्या कहते हैं उसे, जाम जो हम लोग खाते हैं, पहले देखना नेचुरल जो जाम होता है, नेचुरल जाम का पेड़ जो होता है बहुत छोटा, इतना इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं होता बड़ा, लेकिन
आप देखो कि इतना बड़ा बड़ा सा जाम दिखाई देता है, वो कैसे संभव हो पाया? जस्ट ये है अनुवांशिक रूपांतरित फसल के माध्यम से। किसी भी फसल की बात करो, चाहे आप टमाटर लो, गोभी लो, कोई भी फसल, एनी फसल की अगर हम बात करें, कोई भी फसल की बात करें, तो इस टेक्निक के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरित फसल जो है तैयार कर सकते हैं। तो आप सोचो ना कि गर्मी हो, गर्मी के सीजन में एक नया मतलब प्लांट हमने उगाया, जैसे टमाटर जो है, मान लो अभी गर्मी के सीजन में महंगाई बढ़ेगी, अब महंगाई बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस टेक्निक के माध्यम से कोई भी सीजन में हम क्या कर सकते हैं, नया और कोई भी रेजिस्टेंस का या हम कह सकते हैं प्रतिरोधी, है ना, ऐसे हम जीन्स को ट्रांसफर करके उसको विकसित कर सकते हैं। ये होता है क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, चलिए, तो आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जीएम क्रॉप्स क्या होता है। चलो भाई, तो विकसित इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, पूछा है इसके उद्देश्य क्या है, दो अंक का प्रश्न है ऐसे, तो दो अंक के प्रश्न में आप क्या जानते हो थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न जितने भी बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये दो अंक के प्रश्नों में भी पूछा जाता है, और अगर थोड़ा सा एडवांस कर दिया तो इसके कुछ उद्देश्य या कार्य के बारे में भी पूछ सकता है। तो दोनों के नंबर के अकॉर्डिंग आप एक आंसर को तैयार जरूर रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर उद्देश्य पूछा तो उद्देश्य रखी हूं, लाभ है तो लाभ, कार्य है तो कार्य, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनाइए, लेकिन जो पेपर में आएगा दो नंबर, तो दो नंबर के लायक लिखिए, तीन नंबर का आता है तो तीन नंबर के लायक ही लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा रोल मत मारने लग जाना वहां पर। ठीक है, चलो आते हैं अनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के क्या उद्देश्य है भाई साहब। तो विकसित करने के उद्देश्य है कि प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण कितना जरूरी होता है फूड बनाने के लिए। कोई भी प्लांट हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर उसमें हो रही है तो अधिक से अधिक क्या बनाएगा, फूड बनाते जाएगा। ठीक है, बीजों में पोषक मान में बढ़ोतरी। ठीक है, अब इसके माध्यम से जो भी बीज रहेगा उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा रहेगा, ऐसे जीन्स को हम ट्रांसफर करेंगे जिसमें पोषण न्यूट्रिशन ज्यादा है, ऐसे बीज का हम क्या करेंगे, वृद्धि करते जाते हैं। ठीक है, फसल सुरक्षा के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, मतलब ऐसे हम प्लांट को विकसित करें जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होना चाहिए, कोई भी लड़ने, ये चाहे बैक्टीरिया हो चाहे किसी भी आपके बाहरी बोल सकते हो, बाहरी क्षति से उसको बचाने के लिए उसको रेजिस्टेंस बनाना जरूरी है। तो ये क्या है, रोग प्रतिरोधक, कोई रोग ना हो उसके लिए। ठीक है, आशा करती हूं आप लोग को समझ आ रहा होगा जीएम क्रॉप्स। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दिया है क्या, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य क्या है, और कोई दो ध्यान दीजिए, जस्ट वही चीजें हैं, तो फिर भी सुन लीजिए एक डेफिनेशन के तौर पे, अगर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऐसी फसलें, कैसी फसलें भाई साहब, जिनमें अन्य प्रजातियों के उपयोगी जीन पाए जाते हैं तथा जिन्हें अनुवांशिक अभियांत्रिकी सहायता से दूसरे में प्रविष्ट कराया जाता है, उसी को बोलते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई या ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं। आशा करती हूँ समझ ही गए होंगे, वही जीन्स का फेरबदल दूसरे में डाल देना, जो इंपॉर्टेंट, जो हमको चाहिए, सीधी सी बात है, जो हमको चाहिए ऐसे जीन्स को हम सीधा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो, इन फसलों को ट्रांसजेनेसिस विधि द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से तैयार किया जाता है। उदाहरण देखो, इसको बताई थी क्या, फ्लेवर शावर टमाटर, नहीं बताई तो अभी देख लेना कैसे है। फ्लेवर शावर टमाटर इंपॉर्टेंट, आईएमपी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहां से उठाया है, आपके एनसीईआरटी में भी उठाया है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे चीज है इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, फ्लेवर शावर टमाटर, जब भी मैं किसी चीज को हाईलाइट करती हूं यानी कि कहती हूं इसको पढ़ ही लेना, मतलब उसको छोड़ना नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जीएम खाद्य फसल है यह प्रथम जीएम खाद्य फसल फ्लेवर शावर टमाटर। ठीक है, होता ना शावर में नहाते हो, कैसे नहाते, अच्छा ये वही है। ठीक है, तो ये टमाटर भाई साहब, टमाटर में नहाना है आपको, तो फ्लेवर सावर टमाटर है, ये प्रथम जीएम खाद्य फसल है, इनमें कैनामाइसिन, याद रखेंगे कैनामाइसिन जैसी प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है, इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रथम जीएम फसल पूछा जाता है, फर्स्ट जीएम फसल कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेप ऑयल सीड, यह नया जीएम पादप है, इसको भी याद रखेंगे, नया बोलेगा तो यह है रेप ऑयल सीड। ठीक है, जिसमें बास्टा, ये वास्टा नहीं है, ध्यान रखेंगे, बास्टा नामक खरपतवारनाशी के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधकता
होती है, ठीक है। तो ये दो नाम को आपको याद रखना, रेप ऑयल शीड एंड फ्लेवर शावर टमाटर, ये दोनों ही दोनों अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य है, यानी खाद्य फसल है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है खाद्य रूपांतरित खाद्य फसल होता क्या चीज है, दूसरा इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना, पहला कौन सा है और नया कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, नेक्स्ट लिखा है पारजीनी जीवाणु क्या है, वही है ट्रांसजेनिक जीवाणु बोले चाहे ट्रांसजेनिक फसल बोले चाहे रूपांतरित फसल बोले चाहे रूपांतरित जीव जंतु बोले, सभी एक ही चीजें हैं। डीएनए का ही काम है मेन, वही काम है, डीएनए के एक्सचेंज करके अपन नया टाइप का जो है प्लांट या जंतु बनाते हैं, ठीक है। चलो ये है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दे दिया यहां पर, चलो यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, यहां पर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो पारजीनी जीवाणु यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ऐसा बैक्टीरिया या जीवाणु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी कि बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यतीत करता है, इसे पारजीनी जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल ई कोलाई बैक्टीरिया यानी कि पारजीनी जीवाणु होता है। देखो हम क्या करते हैं, दिमाग में इतनी चीजें बस बैठा के रखना, जब भी आप पारजीनी जीवाणु की बात करें तो पारजीनी जीवाणु क्या, एक ऐसा जीवाणु होता है जिसके अंदर हम किसी दूसरे टाइप के डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। अब जब ट्रांसफर जो हमको इच्छा के अनुसार हो, हमारी इच्छा के अनुसार हम ऐसे डीएनए को उसमें ट्रांसफर करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं, फिर उसको दूसरे में ट्रांसफर करेंगे और जो हमारी इच्छा के अनुसार हो उसकी मल्टीपल कॉपी हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। यही होता है पारजीनी जीवाणु। ये वही लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा बैक्टीरिया या जीवाणु जिनके डीएनए में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फेरबदल कर सकते हैं, परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी कि जीन व्यवस्थित होता, हम इसके डीएनए में दूसरे टाइप के डीएनए को ऐड करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, जो अपना लक्षण व्यतीत करेगा। भाई दूसरे टाइप के अगर डीएनए को लाओगे तो वो दूसरा वाला डीएनए अपने लक्षण को व्यतीत करेगा, दिखाएगा, शो करेगा अपने आप को कि हाँ मैं भी हूं, मेरा वाला डीएनए इसमें है, तो वो लक्षण को वहां पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक, मतलब समझो दूसरे का डीएनए, सीधा सीधा बात, दूसरे का डीएनए दिमाग में बैठाओगे अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है, घबराओ मत। ई कोलाई बैक्टीरिया एक पारजीनी जीवाणु होता है, इसलिए इस बैक्टीरिया को डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। देखो ये था फ्लेवर शावर टमाटर की बात हुई थी, तो ये था फ्लेवर शावर टमाटर, ठीक है, पीछे हो गया डायग्राम, इसको देख लेना ऐसे ही बनता है ये, क्या है भाई साहब। अब चलो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, दो अंक के प्रश्न जहां जहां से बनते हैं, जैसे जैसे बनते हैं उसको मैंने बताया। अब एक चीज और, जब मैं तीन अंक के प्रश्नों के बारे में मैं बात करूंगी तो एक चीज ध्यान रखना कि तीन अंक और दो अंक को थोड़ा सा मिक्सिंग करके आपको पढ़ना है, क्योंकि बीच बीच का ऐसा क्वेश्चन वहां से उठ सकता है जो दो नंबर में भी आए, और यहां से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं जो तीन नंबर में आए, तो थोड़ा सा उसको एक मिक्सअप करके थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है। दो नंबर का आएगा हम इतना लिखना है, तीन नंबर का आएगा तो हमको इतना लिखना है, ठीक है। तो चलिए भाई इजाजत दीजिए मुझे, क्योंकि दो अंक के प्रश्न खत्म हो चुके, अब आते हैं हम तीन अंक के प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। तो तब तक ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, धन्यवाद।